हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ब्रेनस्टॉर्मिंग। वी ऑल आर लिविंग इन अ गोल्डन पीरियड ऑफ इनोवेशन, और वी कैन से दैट वी ऑल आर इन अ डिजिटल ईरा विच इज़ डिपेंडिंग ऑन टेक्नोलॉजी, और कहीं ना कहीं हम सब इससे प्रभावित भी होते हैं। इसीलिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रमोट्स क्रिएटिविटी टू इनकरेज लॉजिकल डिसीजन मेकिंग एंड इनोवेशन इन द टीचिंग। एज वी कैन सी, यूथ आर टू मच इन्फ्लुएंस्ड बाय टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट्स लाइक मोबाइल, स्मार्टफोन्स एट्सेट्रा। हेंस इट इज़ द बिगेस्ट चैलेंज फॉर टीचर टू अट्रैक्ट यूथ्स अटेंशन towards their content. It is very important to convert traditional way of teaching to innovative way of teaching. क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं वो केवल theoretical background से satisfied नहीं होते हैं। आपको उनको theoretical background के पीछे क्या reason है वो बताना पड़ेगा। तो इसीलिए traditional way of teaching को हमको convert करना होगा। इसी इनोवेटिव टीचिंग मेथड्स की अगर हम बात करें तो इनमें से एक मेथड है ब्रेनस्टॉर्मिंग। जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है कि मस्तिष्क में होने वाली हलचल, यानी कि कोई टॉपिक सुन करके हमारे दिमाग में जो विचार उत्पन्न होते हैं उनको हम ब्रेनस्टॉर्मिंग कह सकते हैं। अगर हम सिंपल भाषा में कहें तो ब्रेनस्टॉर्मिंग जो है वो एक फास्ट एंड इजी वे टू जनरेट न्यू आइडियाज़ फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, और वी कैन से दैट इट इज़ अ जॉइंट एफर्ट फॉर जनरेटिंग न्यू आइडियाज़। इट इज़ आल्सो एन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी विच आल्सो इन्वॉल्व्स डाइवर्जेंट थिंकिंग एज वेल। द बिगेस्ट क्वालिटी ऑफ दिस इज देयर इज़ नो प्लेस फॉर क्रिटिसिज्म ऑफ टीम मेंबर्स ओपिनियन, यानी कि जो भी हमारे ग्रुप मेंबर्स होंगे ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्लास में उनका क्रिटिसिज्म नहीं होगा। इट मींस जो भी वो विचार कह रहे हैं, जो भी वो अपने आइडियाज़ दे रहे हैं उनको एक्सेप्ट किया जाएगा। एज यू कैन सी इन द स्लाइड, द टर्म ब्रेनस्टॉर्मिंग इज यूज्ड एंड पॉपुलराइज्ड बाय ऑसबॉर्न इन 1953। जो इसके बेसिक फोर रूल्स हैं वो फर्स्ट रूल यही है कि क्रिटिसिज्म इज़ रूल्ड आउट। जो भी विचार हैं बच्चों के मन में, जो भी वो क्लासरूम में शेयर कर रहे हैं उनको एक्सेप्ट किया जाएगा ताकि उनको और मोटिवेशन मिले टू एक्सप्रेस देयर थॉट्स। सेकंड इज़ फ्री विलिंग इज़ वेलकम्ड। फ्री विलिंग इज़ वेलकम मतलब कोई भी अपनी बात को कह सकता है, जिसके मन में जो विचार आ रहे हैं वो अपने विचार को रख सकता है। क्वांटिटी इज़ वांटेड, जितने ज़्यादा आपके मेंबर्स होंगे ग्रुप में क्लास में उतने ज़्यादा आइडियाज़ आपको सुनने को मिलेंगे और उतने न्यू थॉट्स जनरेट होंगे। फोर्थ इज़ कॉम्बिनेशन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ आइडिया इज़ वेलकम। एक स्टूडेंट ने एक आइडिया दिया, क्योंकि हम सब कोई टॉपिक के बारे में सुनते हैं तो सबके दिमाग में अलग अलग आइडियाज़ आते हैं, उन आइडियाज़ को हम कंबाइन कर सकते हैं और फिर एक न्यू थॉट जो है वो जनरेट हो सकता है। एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे यहाँ पे ब्रेनस्टॉर्मिंग का एक छोटा सा एग्ज़ाम्पल है। जैसे आप क्लास में एनवायरनमेंट पढ़ा रहे हैं, सबसे पहले आप एनवायरनमेंट जो आपका टॉपिक है उसको ब्लैक बोर्ड में लिखेंगे और एक एक जो ग्रुप मेंबर्स हैं उनसे उस टॉपिक को सुनने के बाद उनके मन में क्या विचार आ रहा है उसको हम बच्चों से पूछेंगे। तो कैसे हम इसको परफॉर्म करेंगे इन द क्लासरूम? सबसे पहले टीचर अपना जो टॉपिक है उसको सेंटर ऑफ द ब्लैक बोर्ड में लिखेगा, जो कि एनवायरनमेंट है जैसा आप देख पा रहे हैं, और एनवायरनमेंट सुनने के बाद
हर बच्चे के मन में जो अलग विचार आया वो हमने उससे पूछा। एक मेंबर ने कहा पॉल्यूशन, आपने ब्लैकबोर्ड में लिख दिया पॉल्यूशन। दूसरे मेंबर ने कहा डिफॉरेस्ट्रेशन, आपने डिफॉरेस्ट्रेशन मेंशन कर दिया ऑन द ब्लैक बोर्ड। थर्ड स्टूडेंट ने कहा ग्लोबल वार्मिंग, आपने ग्लोबल वार्मिंग मेंशन कर दिया। फोर्थ क्लाइमेट चेंज, आपने क्लाइमेट चेंज मेंशन कर दिया। एंड देन नेचुरल डिजास्टर। ऐसे बहुत सारे जितने बच्चे होंगे उनके मन में एनवायरनमेंट को सुन के अलग अलग टॉपिक्स आ सकते हैं और सभी टॉपिक एक्सेप्टेबल हैं। इनमें कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो एनवायरनमेंट से रिलेट नहीं कर रहा है। तो इस तरीके की जो अब जिसके मन में पॉल्यूशन आ रहा है, दिमाग में पॉल्यूशन टॉपिक आ रहा है, वो कहीं ना कहीं डिफॉरेस्टेशन की तरफ भी क्लिक करेगा, ग्लोबल वार्मिंग की तरफ भी क्लिक करेगा, क्लाइमेट चेंज की तरफ भी क्लिक करेगा और नेचुरल डिजास्टर की ओर भी क्लिक करेगा। और फिर उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आप उनसे पूछ रहे हैं और जो भी आपका माइंड मैपिंग है उसको आप ब्लैकबोर्ड में लिख रहे हैं। तो वो सब जो समरी एक ब्लैकबोर्ड में निकल करके आएगी उसमें सब बच्चों को अलग अलग थॉट्स जो उनके मन में आ रहे थे उसके अलावा भी सोचने का मौका मिलेगा। इसीलिए हम इनको क्या कह रहे हैं, मस्तिष्क हलचल यानी कि ब्रेनस्टॉर्मिंग, जो कि हमारे ब्रेन में एक तूफान पैदा कर रहा है किसका, विचारों का, टॉपिक्स का। इसीलिए ये जो मेथड है ये क्लासरूम में जो हमारी जो ट्रेडिशनल वे ऑफ टीचिंग है उसमें क्या है, हम लेक्चर दे रहे हैं, स्टूडेंट केवल सुन रहा है, तो एक वन वे मेथड हो जाता है और बहुत बोरिंग कभी कभी क्लासरूम का इंटरेक्शन हो जाता है। लेकिन जब हम इस तरीके की टेक्निक्स का यूज़ करते हैं तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हम बच्चे को एक्टिव कर रहे हैं, बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, टीचर भी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बहुत सारे आइडियाज़ जो हैं वो जनरेट हो रहे हैं और एक उनमें से एक नया आइडिया निकल करके समरी के तौर पे आ रहा है। तो इस तरीके के जो टीचिंग मेथड्स हैं वो टीचर्स को क्लासरूम में यूज़ करने चाहिए फॉर मेकिंग देयर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इफ़ेक्टिव।